जहाँ से ली थी, और अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी। तो गाइस ये रही हमारी जूम कार। तो गाइस हमें हमारी गाड़ी मिल चुकी है, ये रही हमारी। ये काफी गंदी हो रखी है, धूल जमी पड़ी है, कपड़ा हमें खुद ही मारना पड़ेगा। यहाँ पर गाड़ी के डेंट लगा हुआ है और यहाँ पे भी। व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, अगेन विद अ न्यू वीडियो। और जैसा कि आज की वीडियो का आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं जूम कार का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज, अभी इस समय आई होप कि आप सब लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो इसी वजह से जूम कार ने अपनी सर्विसेज बंद कर रखी हैं, सिवाय एमरजेंसी केसेस के लिए। यानी कि अगर आपको भी जूम कार करनी है तो केवल एमरजेंसी केस होगा तभी जूम कार कर पाओगे, वरना नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने कार करी थी उसके साथ तो ऑसम है, उसको मैं 10 out of 10 देना चाहूँगा, जो कि मैंने करी थी XUV500 महिंद्रा की। ठीक है, काफ़ी अच्छी कार थी, हालांकि उसमें मेरे को टॉप मॉडल नहीं मिल पाया, बट उम्मीद थी टॉप मॉडल के मिलने की, W11 या W10 विद सनरूफ, लेकिन सनरूफ भी नहीं मिला और W7 मॉडल मिला था शायद। तो दिक्कत ये थी कि जूम कार वालों से फिर मैंने कॉल, जब बुकिंग थी उससे पहले मैंने कॉल भी करी थी कि मेरे को कौन सा मॉडल मिलेगा, उन्होंने कहा था ये हम बता नहीं सकते, लेकिन मेरे को मेन डिमांड जो थी मेरी सनरूफ के लिए थी, तो वो मेरे को उन्होंने कहा आपको एंडेवर मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। जूम कार ट्रैवलिंग के लिए, जो बंदे ट्रैवल करते हैं टाइम टू टाइम या हर एक दो दिन बाद या हफ्ते में, उनके लिए तो बहुत बेस्ट ऐप है। इस जैसी ऐप अभी तक मेरे को तो नहीं लगता कोई आई होगी। मैंने माई चॉइस से भी कार्स बुक करने की कोशिश की है, काफ़ी कॉस्टली थी। रेव से भी करने की कोशिश की है, वो भी कॉस्टली थी। उसमें जो रिफंडेबल डिपॉजिट, इट मीन सिक्योरिटी डिपॉजिट था रेव में, वो था 15,000, और उसमें सारी कार्स थी आपकी लग्जरी कार्स, मर्सिडीज, BMW, बेंज, A2Z थी। ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जूम कार में आपको लग्जरी कार्स नहीं मिलती, इसमें आपको फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और भी लग्जरी कार मिलती हैं, लेकिन वो तभी मिलते हैं जब आप 24 ईयर्स तक के हो या 24 अबव हो। तो ये मेरे को तब पता लगा जब मैंने जूम कार वालों से बातें करी कि मैं, तो उन्होंने कहा कि फॉर्च्यूनर जितनी भी लग्जरी कार्स हैं आपको 24 ईयर्स के बाद ही मिलती हैं, उससे पहले आपको जो कार्स अवेलेबल हो रही हैं यही दिखेंगी। तो मैंने कहा ठीक है, एक अच्छी बात है अभी जूम कार वालों की। दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा, आप जब भी जूम कार से टाटा टियागो करते हैं उसमें आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है वो केवल 1900 रुपये देने पड़ते हैं, 1999, इट मीन्स 2000 रुपीज़ का आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल होते हैं, लेकिन और कार्स में आपको 5000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छा लगता है घूमना, उन लोगों के लिए जूम कार बेस्ट है। और तो और अगर वो सुपर माइलेज क्लब के मेंबर बन जाते हैं, इट मीन्स आप 2 बुकिंग कर देते हैं, 2 बुकिंग के बाद आपको जो रिफंड है, जो आपका रिफंडेबल डिपॉजिट होता है सिक्योरिटी, इट मीन्स आपको नहीं जमा करनी पड़ती है, तो उसके बाद आपको कार्स बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ने लग जाती है। बीच में जो मैंने 2-3 बार गाड़ी करी, स्विफ्ट ये सब करी, स्विफ्ट मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया भी आपको, जैसे कि स्विफ्ट मैंने करी उसमें कितनी धूल धक्कड़ जमी थी। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें जूम कार को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना कि हमें गाड़ी अच्छी नहीं मिलती, जूम कार बेकार ऐप है, ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। मैं दिल्ली से हूँ, मेरे को पता है मेरे एरिया में कैसे लोग रहते हैं, तो मेरे को कैसी गाड़ी मिलेगी। ठीक है, इसमें जूम कार को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जूम कार को ब्लेम करने की तब ज़रूरत है जब हमें गाड़ी ख़राब मिलती है या हमें वो जगह ढीले पड़े रहते हैं जूम कार के बंदे, वहाँ पे वो गाड़ी पर ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन तो यार गंदी हर जगह मिलेगी, मैंने कहा जैसे कि एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। रिफंड जो रिफंड था वो ईजिली आ गया था मेरे को, तो सेकेंड टाइम मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई रिफंड आने में, मैंने उसकी वीडियो भी डाली है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल से कि मेरा जूम कार का रिफंड क्यों नहीं आ रहा था। आता है लेकिन थोड़ा लेट आता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, जूम कार का रिफंड ईजी कर दीजिए। 2 बुकिंग के बाद आपको रिफंडेबल डिपॉजिट जमा नहीं करना, डिपॉजिट सिक्योरिटी नहीं देनी। तीसरी बात, जूम कार वालों का ये इसमें जूम क्रेडिट्स का बहुत बड़ा खेल है, वो लोग क्या करते हैं हमें जूम क्रेडिट्स दे देते हैं। अब उससे हुआ क्या, पिछली बार हमारा डीजल जो भरा था गाड़ी में, उससे पहले स्विफ्ट करी थी, स्विफ्ट डीजल थी वो, और तो उसमें डीजल में हमने भरवाया था एक्स्ट्रा, लाइक 900 के आसपास हमने एक्स्ट्रा भरवाया था डीजल, विद फ्यूल हमने कार ली थी, डीजल हमने भरवाया 900 के आसपास, 800-900 ऐसे कुछ रुपीज़ थे। तो उसके बाद हमने वो स्लिप लगाई, वो स्लिप का हमें रिफंड नहीं मिला, पता नहीं क्यों नहीं मिला, वो रिफंड हमें नहीं मिला। तो हमने जूम कार वालों से कॉल करी
और उसके बाद हमें ये पता लगा कि उन्होंने बाई मिस्टेक हमारे रिफंड देना भूल गए थे, तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा हमने आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो वापस कर दिया है, तो अब हम आपका जो डीजल के पैसे थे वो एज अ जूम क्रेडिट्स दे देते हैं। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं था कि जूम क्रेडिट्स यूज कैसे करते हैं। वो जूम क्रेडिट्स पूरे के पूरे एक बारी में आपकी बुकिंग में यूज नहीं होते, वो 20-30% यूज होते हैं। तो ये दिक्कत थी बस कि हमारा पैसा जो आया वो क्रेडिट के रूप में आया, और क्रेडिट हम सारे एक बारी में यूज नहीं कर सकते, हमें हर बुकिंग में 20-30% यूज करना होता है। तो इसके लिए हमें यूज करने के लिए बार बार बुकिंग करनी पड़ेगी, यही दिक्कत। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भी कोई चीज़ पूछनी हो जूम कार से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।